सज्जा की सोहबत इख्तियार कर रही है। बेकरीमा का इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सज्जा की जमात है। आका करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत हार सज्जा की जमात है। ताबईन तबा ताबईन औलिया कामिलीन ये सच्चा की जमात है। और आज दे जुमातुल मुबारक के अंदर जिस अजीम शख्सियत को खराजे अकीदत पेश करना है आला हजरत अजीमुल हरकत मुजद्दद दीन मिल्लत परवाना शमा रिसालत नायब गौसे आज़म इमामुल फुकहा सैयदुल मुहद्दिसीन इमामुल फुकहा कुतुबुस सालिहीन इमामुल आशिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान ताजदारी बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्ना का इस महीने की 25 तारीख को निशान हुआ जिन्होंने सारी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के अंदर गुजारी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को बयान करदिया गुजारी। सहाबा इकराम अहले बैत अतहार और जय कराम इन्हां दीआं अज़मतां नूं बयान करदिआं गुज़ारी जिन्हां ने हर बातल का रद्द फरमाया जिन्हां ने इस्लाम दी बहुत खिदमत की मुसलमानां ते एहसान किया कि इन्हां नूं बड़ा ही अदब वाला तर्जुमा कमजोर ईमान अता फरमाया। हुजूर सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दद दीन मिल्लत परवाना शमा रिसालत हामी सुन्नत बागी बिदअत हुज्जा तुल इस्लाम कुदवतुस सालिहीन ज़ुबदतुल आरिफीन इमामुर राशिदीन आला हजरत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान ताजदारे बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह 10 शवाल मुहर्रम 1272 हिजरी 14 जून सन 1856 11 जेठ की तारीख बरोज हफ्ता बाद नमाज़े ज़ुहर हिंदुस्तान के शहर बरेली शरीफ में पैदा हो गया। वो आला हजरत अजीम और बरकत हामी सुन्नत माही बिदअत परवाना शमा रिसालत इमाम राशिदीन ज़ुबदतुल आरिफीन कुदवतुस सालिहीन अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान ताजदारे बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां ने 7 घंटियां के अंदर रब ताला ने पाक कुरान
قانون زبانی یاد کر دیا اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا حافظہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر دور کے اندر اپنے ایسے بندیاں کو پیڑدا ہے جڑے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کر دیں اور باطل لوکاں دا رد کر دیں. ہر دور کے اندر اگر نمرود ہے اس کے مقابلے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بھی ہے. اگر فرعون ہے اس کے مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بھی ہے. اگر ابو جہل ابو لہب دنیا کے موجود ہو تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کی ذات پاک بھی موجود ہے. اگر اس دنیا کے اندر ہلاکو اور چنگیز موجود نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بھی موجود ہیں. اگر اس دنیا کے غلط قسم دے بناوٹی صوفی موجود نے پھر حضرت جنید بغدادی بار یزید مستانی تاجدار اجمیر شریف خواجہ اجمیر حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ تاجدار پاک پتن زہد الانبیاء امام الانبیاء زہد العارفین تاجدار چشت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ ہے جیسے صوفیاء بھی موجود ہیں. اگر اس دور باطل دور کے اندر باطل لوگ موجود نے انہوں کا مقابلہ کرنے واسطے اللہ کریم نے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین الملت پروانہ شمع رسالت امام عاشقاں الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے درد کامل پیدا فرمایا. آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے اندر گزر گئی. اللہ کریم نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. اگر علم کو دیکھا جائے تے علم بے مثال ہے. اگر تقوی نو دیکھا جائے تقوی بے مثال ہے. اگر فقر نو دیکھا جائے تو آپ فقر دے بھی بادشاہ نے. اگر علوم و معارف نو دیکھا جائے علوم و معارف دے بہرے بے قرار نے ایسا سمندر میں جس کا کنارہ کوئی نہیں. اگر ان کا زہد نو دیکھا جائے زہد کے اندر بے مثال نہیں. اگر فقہ کو دیکھا جائے تو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاعت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مدینہ المنورہ کا سفر اختیار کیتا. آپ حرم پاک وچ موجود نے. مفتی احناف مفتی مکہ دے کول لوکاں نے شکایت لائی کہ ایتھے ہندوستان دے شہر بریلی دا ایک شخص ہے
अहमद रजा उनका नाम है और नबी अलैहिस्सलाम ने इल्म बहुत बयान करना है। तो मुफ्ती मक्का ने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया, आखिर नबी पाक अलैहिस्सलाम आपको इल्म गैब है तो फिर सागर करो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कागज और कलम दे दो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कागज और कलम दिए गए, आप देखो कुतुब खाना मौजूद कोई नहीं, बगैर किताबों की मदद तो आपने आठ कहिया के अंदर अरबी के अंदर एक किताब लिखी अद-दौलतुल मक्किया बिन मादातिल खैरिया अरबी के अंदर जब मुफ्ती मक्का को पेश की, आप पढ़ते जा रहे हैं और दिल ठहरता जा रहा है। बड़े बड़े अरब शरीफ के उलमा उन्होंने किताब को पढ़िया तो सारे बोल के कहने लगे अहमद रजा तू हक दे है, जिन्होंने तेरी शिकायत लाई वो बातिल दे नहीं। अहमद रजा हूँ इंज करो सानू अपना शागिर्द भी बना लो अपना मुरीद भी बना लो। वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दस थे, वसीया पर मुहद्दस सूरती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम ने मुहद्दस ने उन्होंने कुल तशरीफ लै गए उन्होंने लाइब्रेरी च गए तो वसीया पर मुहद्दस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको किताब भेजी सी मगर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को नहीं सी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलाना अगर इजाजत होए तो मैं यह किताब पढ़ लवा। मुहद्दस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे अहमद रजा एक किताब पढ़ ला तो मेरे को थोड़ियां ने जिन्हों को मैं फतवा लिखना होता है और तुहाडे कोल किताबां ज़्यादा ने मैनू इहदी जरूरत पैंदी रहिंदी है जल्दी वापस कर देना। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब नूं पढ़िया एक एक वर्का पढ़ना शुरू किया, अचानक आप नूं उत्थे कम पै गया, रात ठहरना पिया, सुबह किताब नूं सीने नाल लाया उस मौलाना नूं वापस देन जा रहे हैं, अगो वो मौलाना दोबारा फिर ज़ियारत वास्ते आ रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया मौलाना एक किताब तुसी लै लो। उन्हें क्या हुज़ूर तुसी नाराज़ तो नहीं हो गए इतनी जल्दी एक रात विच पढ़ के वापस कर रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मौलाना ये जी किताब मैंने सारी जबानी याद हो गई, इतना अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ा अता फरमाया। और सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने गाजी इलम दीन शहीद का जनाजा पढ़ाया वो कितना अजीम हकी से आले नबी औलादे अली सैयद दीदार अली शाह आप रियासत अलवर में रहते थे ते सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हों का तर्जमा कंजुल ईमान के हाशिया और तफसीर मौजूद है ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द सी सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ते हज़रत सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ये बड़े दोस्त सी। एक दिन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहने लगे शाही मेरा पीर बड़ा सोना, मेरा पीर अहमद रजा बड़ी शान वाला है,
तुसी चलो मेरे पीर दे कोल। सुल्तान फरमाते आफा दा बादशाह सुल्तान ने बाहु रखना बंदा है ताला है। आप फरमाते ने एह तन मेरा तेरा ऐ सवाल ही ते ऐ जवाब है।
जदों आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि दा सवाल भी दस दिता जवाब भी दे दिता कहन लगा इस इलम दे वास्ते मसले वास्ते मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने राबता किया यहाँ तक के हिंदुस्तान तो जर्मनी जाना चाहना सा मगर जेड़ा उतों मैं लगना से मैं आला हज़रत तेरी बार बार गई चुन मिल गया वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि जिन्हों ने हर बातिल मजहब का रद्द किया साइंसदाना ने आख्या जमीन हरकत कर दी अज भी साढ़े बच्चों स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर यूनीवर्सिटियों के पढ़ाया जाता है कि साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है ये साइंसदाना का ख्याल है कि इस्लाम का नजरिया नहीं इकबाल फरमाते हैं गला तो ढूंढ दिया अहले मदरसा ने तेरा गला तो ढूंढ दिया अहले मदरसा ने तेरा कहां से आए सदा लाइला बोलिए कहां से आए सदा लाइला इल्लल्लाह साइंसदाना ने अपने बातल फलसफे अपने बातल नजरिए तालीम नजरिए तालीम के तीजा में डाल सकी खुदी को जब हो जाए मनाए तो जिधर चाहे उधर फेर अंग्रेज ने यहूदी ने साढ़े मुसलमान के नजरिया बदलना शुरू किया तालीम दे रहिए स्कूलों के अंदर अपनी तालीम फैलाया अब साइंसदान ने कोई ये हुआ दे कि जमीन हिल दिए हरकत कर दिए जे स्कूल के तालिब इलम पूछेगा वो नहीं कहेगा जमीन हरकत कर दिए जे टीचर नु पूछेगा प्रोफेसर नु पूछेगा वो नहीं कहेगा जमीन हरकत कर दिए रब ताला दा कुरान फरमाता है जमीन हरकत कर दी हरकत कर दी जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आपको पता चलिया बादल लोगों का इन्हां फर्कियां का ये नजरिया जमीन हरकत कर दिए ते आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया आपने किताब लिखी किताब लिख के कायनात वाले को चैलेंज किया है ऐ बड़े बड़े स्कूल टीचरों के प्रोफेसरों मेरी गल दा कयामत तक कोई जवाब नहीं देगा मैं रब ताला दे सलाम दे फरमान को साबित किया है जमीन हरकत कर दी नहीं आज तक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने दे इस मसले को गलत साबित कर सकता नहीं फिर आवाम दे शोर फैल गया कि मुसाफा करिए एक दी बीमारी दूजे को लग जाती है जिवें अजकल गैर मजहबा ने मुसलमाना के अंदर खौफ और हराम को फैलाया अगरचे इस चीज को जो फुल जोर से मुकम्मल उदों बयान किया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मसला पैदा होया भाई किसी का मिलना नहीं किसी के नाल खाना नहीं तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अल हक्कुल मुज्तदा फी हुक्म मुबतला 169 किताबा के हवाले दिते 70 सफात 400 के करीब हवाला जात पेश किए पुराने पाक तो साबित किया हदीस पाक तो साबित किया लोगो इन्हां फरंगियां के पिछे लग के मुसलमाना नाल मिलना जुलना खाना पीना ना छोड़िया जे अल्लाह के अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि एक दी बीमारी अल्लाह की मर्जी तो बगैर दूजे नूं लगदी नहीं ये मेरे आला हज़रत ने पहले गल्ला और आला हज़रत अजीम उल बरकत मुजद्दद दीनों की इल्लत परवाना शमा रिसालत इमाम आशिका रहमतुल्लाह ताला ने जिन्होंने 33 जिल्दों के अंदर ऐ फतावा रिजविया शरीफ लिखिया जे तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ेगा तुम बेकिस
برصغیر ہندوستان دا بادشاہ اونے فقہ حنفی دی تدوین تے احناف دے محقق تے میرے دوستو بزرگو توجہ توجہ کرنا اللہ کریم کیسے کیسے علماء نو پیدا کردا اے اللہ کریم اپنے بندیاں کو کنے کم لیندا اے اج کر رب دا ممبر مصطفیٰ دا اس پاک گھر دے اندر پاک ممبر دے اوپر اینے دی اگر حضرت دی عظمت نو سلام کیتا جا رہیا اے میرے دوستو قدر اورنگزیب عالمگیر انہاں دے 500 علماء نو جمع کیتا توجہ تہاڈے واسطے گلاں نویاں نے 500 بڑے بڑے علماء نو چوٹی دے علماء نو جنجے علماء نو جمع کیتا انہاں نو کتاباں وی دتیاں تنخواہاں وی دتیاں کاغذ وی دتے قلم دوات وی دتے سرکاری خزانے وچوں کھانا وی دتا رہائش دا انتظام کیتا کھان پین دا انتظام کیتا علاج معالجے دی سہولت نو میسر کیتا اورنگزیب عالمگیر نے اپنے شاہی خزانے وچوں پیسے دے کے بڑیاں بڑیاں عظیم کتاباں نایاب کتاباں علماء نو پڑھایا تاکہ اودے تو دیکھ کے جڑے قیامت تک آن والے مسائل نے کے سنگت دے اندر انہاں دا حل کیتا جائے 500 علماء نے فتاوا عالمگیری مرتب کیتا 500 علماء نے فتاوا عالمگیری مرتب کیتا ہندوستان دا بہت بڑا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے ہر کتاب میسر کیتی 500 علماء نے جے فتاوا عالمگیری نو ویکھاں گے 6 جلداں تے 12 حصے نظر آن گے توجہ 500 علماء نے 6 جلداں لکھیاں نے ادھر 4 مرلیاں دے مکان وچ بیٹھن والا جامعہ نظامیہ لاہور کے مدرسے نو ویکھو گے وہ بھی اعلی حضرت دا فیضان ہے۔
जे जामिया नहीं गया तो देखो कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नहीं भी रहमतुल्लाह ताला ने वो सैयद गैमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने जेड़े आला हजरत सरकार दे शागिर्द ने वो भी मैदान आला हजरत दा नजर आएगा जे शरफपुर शरीफ नु वेखोगे मैदान आला हजरत दा नजर आएगा जे ताजदारे गोल्डा नु वेखोगे फैजान आला हजरत दा नजर आएगा जे करोड़ा मुसलमाना दे पीर अबू अल बिलाल आशिकी आला हजरत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकात नु वालिया नु वेखोगे ए भी आला हजरत दे गुलामां विच नज़र आ वो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे कोल ना दो शख्स आए अहिब्बा और नातिक कहन लगे अहमद रजा सानू चार जबाना विच नात लिख दियो कह दो सुभान अल्लाह किन्नियां जबाना विच आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम नु उठाया उर्दू अरबी फारसी ते हिंदी चार जबाना में कलाम लिखिया लम जाती नजीर कभी नजर मिले तू ना शुद्ध पैदा जाना याद रखिए आला व्रता कलाम ऐसा है समझ आवे फिर भी लुत्फ आता है जो ना आवे फिर भी लुत्फ आता है फरमाया लम जाती नजीर कभी नजारे मिले तो ना शुद्ध पैदा जाना जागे चुप दा ताला खोल लिए ना थोड़ा जा सरकार का जिक्र है जी हाजी हो आओ
गुंबद खजरा के सामने खजूर के दो दरख्त से ते सरकार के गुंबद थले झुके हुए से बोलो ना यार उत्थे शायर भी आए किसी ने शेर पढ़िया कब है दरख्त खड़े कब है दरख्त खड़े शाहे वाला के सामने मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। जब वाला हजरत ने शेर सुनया ना तो आपकी चीख निकल गई फरमाया पहला मिसरा ठीक है दूसरा गलत है। फरमाया शायद तेरा दूसरा मिसरा गलत है दूसरा मिसरा क्यों ना चाहिए है कब है दरख्त खड़े शाहे वाला के सामने कुदसी हूँ खड़े अरशे मुअल्ला के सामने। ये दरख्त इंज खड़े ने जिमें कुदसी फरिश्ते हाथ बन के अरशे मुअल्ला के सामने खड़े हो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने मेरे करीमा का सलाम को सलाम दे रोजा पाक के हाजर में अर्ज कर दे आपका मैं बैठो हिंदुस्तान की सरजमीन ते हुन्ना सा और मदीने शरीफ की सरजमीन आका तड़ी पाक बारगा विच हाजर हो गया वा लजपाला मेनु जाग दिया अखा नाल दीदार करा दियो लजपाला जाग दिया अखा नाल दीदार करा दियो। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने जद इना सवाल करदे पैगे ते मेरे आका दी पाक बारगा ओवे जिथों जो भी सवाल करे उन अता कीता जांदा है। आला हजरत रहमतुल्लाह रहम मदीने दे सादगार ने जागदियां जागदियां दीदार करा दित्ता। कोई नहीं हुजूर दसो क्या ये हो जाए बंदे नूं
मुसन राग से पढ़ने की उजरत मुकर्रर कर रखी है, ना जायज और हराम है। सुभान अल्लाह, एंडे एंडे बोली कुत्तियां तेरा मुंह टंडे ने, इंशाल्लाह रब ने नु हदायत अता फरमाए। आईने दियोगे तो फिर आवांगे। ये मुस्तफा दा दीन नहीं, ये मुस्तफा दी शरीयत नहीं, ये ठेकेदार ने आला हजरत सी दीन का पहरेदार। तू बोलो ना यार सुभान अल्लाह। उसका लेना उसे हरगज जायज नहीं, उसका खाना सरातन खाना हराम है, उस पर वाजिब है कि जिन जिन से फीस ली है याद करके सबको वापस कर दे। अगर याद ना रहे हूं तो उनके वारसों को फेर दे, अगर पता ना चले तो इतना माल फकीरों पर सदका कर दे, और आइंदा इस हराम खोरी से तौबा करे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दा नाम लेना सौखा है, पर उनकी फिक्र ते चलना आला हजरत दे गुलामां दा काम है। नाम लेना सौखा है, आला हजरत दा शेर पढ़ना सौखा है, पर आला हजरत फरमांदे ने रेट मुकर्रर करके पैसे लेना भी हराम है, देना भी हराम है, ते जेड़ा रेट नु कलर करके पैसे लेंदा है ओदा खाना हराम है। इसे वास्ते साडा मुफ्ती आजम पाकिस्तान शेख उल इस्लाम जिगर गोशाए बहरुल उलूम मुफ्ती मोहम्मद अनवार हनफी साहब दामन बरकातहू आलिया ओनु फोन करो, हुजूर मैं मिलाद दी महफिल पढ़नी है। बेलौस आएगा तो बेलौस जाएगा, इन वाले ने फकीर और मर्द कामिल आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह नू पालकी में बिठाया। किन्ने बच्चे होना अल्लाह माफ फरमाए सानू और कोई गल ना ना लबे। इसे वास्ते वो महफल करके टुर गया ना तो पिछों नमाजी जाता पर लोग काम लंबा हो जाएगा मामला। अर्ज कर रहा था सानू और कोई गल ना ना लबे, जिन्हों इस तंगे के रुकना था नहीं ना पता, तो पहले शीशे च अपना मुँह वेखे जिहड़ा मौलवी के खिलाफ बोल पैंदा, मुँह वेखे तो मेरी बूथी कहो जी है जी। मैं दिन रात कुराना करना गुनाह करना तो सरकार का सदका मेरी बूथी सलामत है, मेरी बूथी सलामत है, तो जिहड़ा सरकार के मिंबर से बहिंदा सरकार के मुसल्ले से खलोंदा उनके खिलाफ छेती नाल जबान चो लफ्ज़ कढ़ दिंदे उन्हें सोचना चाहिए सौ वारा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह नू पालकी में बिठाया गया, टोली जिन्हों आने पालकी में बिठा के तो मिलाद की महफिल में ले जाया जा रहा है। हाली दो चार कदम तुरे ने तो आला हज़रत ने फरमाया बिनियो पालकी रोक दो थले मैं उतार, डोली नू थले उतारिया गया तो आला हज़रत ने फरमाया चार बंदिया ने मेरी डोली नू उठाया है ते चौं विचों मैनू एक आले रसूल लगता है। मैनू एक सैयद ज़्यादा लगता है, आले रसूल लगता है, जेड़ा भी आले रसूल है उन्होंने नामे की इज्जत की कसम है दसो तो आले रसूल कौन। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो पूछा तो एक नौजवान उनके मत्थे ते पसीना आ गया, कहन लगा अहमद रजा ओ सैयद ज़्यादा मैं ही आ मजदूरा को मजदूरी ले जाती है ज़्यादा नहीं पूछिया जाता और मैं आले नबी औलादे अली हसनी हुसैनी सैयद मैं ही आ। मेरे नाना जान ने फरमाया जेड़ा बंदा हत्था नाल मेहनत करके कम करके रोजी खाता है और रब दा वेली हुंदा है, मैं मजदूरी करन वास्ते आया वा। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने आप दी अखां विचों आंसुआं दीआं लड़ियां जारी हो गईआं, फरमान लगे सैयदजादे मैनूं माफ कर देना। वेखो आला हज़रत दा इश्क, सैयदजादे मैनूं माफ कर देना, सैयदजादे मैनूं माफ कर देना। आला हज़रत ने इह नहीं वेख्या इह आलिम है आ, इह हाफिज़ है आ, इह मुत्तकी है आ, इह शरीयत दा पाबंद है आ,
مرید ویکھ رہے نے کہ آڈا حضرت رحمت اللہ علیہ نے اینج ہاتھ بنے نے کہندے سیدزادے دعا کر دینا جے قیامت والے دن تیرا نانا امام الانبیاء دی صلوات و سلام فرما دے بے احمد رضا تو میرے پتراں دے موڈیاں تے سواری کرتا رہیا ہے تے میں کی موہاں دا سیدزادے مینوں معاف کر دینا سیدزادہ کہندا ہے احمد رضا تینوں معاف کیتا صدر المناظرین مفتی اعظم پاکستان سب زیادہ